पाठ 6, संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक। लिंग। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक अथवा निर्जीव शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है। इनकी पहचान क्रिया तथा विशेषण शब्दों के रूपों को देखकर की जा सकती है। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सोन, ब्रह्मपुर्ण पुल्लिंग शब्द हैं, परंतु इनके साथ नदी शब्द जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। लिंग की पहचान के लिए कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहली, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, दिनों के नाम, महीनों के नाम, जनवरी तथा मई को छोड़कर, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, इमली को छोड़कर, ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर, देशों के नाम, राज्यों के नाम, समुद्रों के नाम आदि। दूसरा, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, दांत, गला, हाथ, कान, मुंह आदि। पर कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, कलाई आदि। तीसरा, भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, देवनागरी आदि। चौथा, कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। पांचवा, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भेड़िया, खरगोश, गैंडा, भालू, मच्छर आदि। इनके स्त्रीलिंग शब्द मादा जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे मादा भेड़िया, मादा भालू आदि। छठा, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, चील, कोयल, छिपकली आदि। इन शब्दों के पुल्लिंग शब्द नर शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे नर मक्खी, नर चील आदि। आ तथा ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्या। आचार्य, आचार्या। वृत, वृद्धा। सुत, सुता। इया तथा नी लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। बेटा, बिटिया। चूहा, चुईया। बंदर, बंदरिया। लोटा, लुटिया। आइन तथा आनी लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठकुराइन। लाला, लालाइन। इका तथा इन लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। सेवक, सेविका। पाठक, पाठिका। दर्शक, दर्शिका। माली, मालिन। सुनार, सुनारिन। मति तथा वती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। श्रीमान, श्रीमती। बलवान, बलवती। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे राजा, रानी। फूफा, बुआ। भाई, भाभी। पुरुष, स्त्री। युवक, युवती। हमने सीखा, जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष जाति तथा स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। वचन। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द का पर्याय है। वचन से यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक
इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक के रूप में, जैसे एक के रूप में लड़का, पंखा, बच्चा, मेज, किताब आदि, अनेक के रूप में लड़के, पंखे, बच्चे, मेजें, किताबें आदि। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह बदलता है कि उनकी संख्या एक है अथवा अनेक, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है, जैसे कमरा, ताला, चम्मच, थाली, लोटा, कुर्सी, खिड़की, वह, मैं आदि। बहुवचन, जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहाँ वह शब्द बहुवचन में होते हैं, जैसे कमरे, ताले, घोड़े, गमले, चमचे, थालियाँ, लोटे, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ, वे, हम आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, जनता आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। अ को ए में बदलकर किताब, किताबें, मेज, मेजें। आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन, लड़का, लड़के, छाता, छाते। अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन, सभा, सभाएं, माला, मालाएं। ई तथा ई को इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन, दवाई, दवाइयां, तिथि, तिथियां। या को या में बदलकर एक वचन से बहुवचन, चुईया, चुईयां, डिबिया, डिबियां। समूहवाची शब्द जोड़कर कुछ शब्द में समूहवाची शब्द, जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे एक वचन से बहुवचन, नेता, नेतागण, मजदूर, मजदूर वर्ग। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, जैसे पेड़, हाथी, योद्धा, बाजार, फूल, राजा आदि। वाक्य प्रयोग से ही इनमें अंतर पता चल सकता है। उदाहरण के लिए, यह बड़ा पेड़ है, एक वचन। मेरे घर के पास बहुत सारे पेड़ हैं, बहुवचन। हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि उनकी संख्या एक है अथवा अनेक, वह रूप वचन कहलाता है। हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है, वहाँ एक शब्द बहुवचन में होता है।